सरकार की ओर से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। प्रदेश के पौड़ी जिले के विभिन्न डाकघरों में अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना के 19,544 खाते खुल चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बैंक दूर दूर हैं, जबकि डाकखाने नजदीक, लिहाजा ग्रामीणों के लिए इस योजना का लाभ उठाना आसान साबित हो रहा है। उनकी जो भी आमदनी होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा वो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए नजदीक डाकखाने जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा कर देते हैं। यमकेश्वर क्षेत्र के निवासी मनोज बलूनी बताते हैं कि वो अपनी दो बेटियों के लिए बचत करते हैं। तो हमने भी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाए ताकि इनकी 18 साल होने के बाद जो पैसा मिलेगा इनसे इनकी अच्छी शिक्षा मिले और इनका उज्जवल भविष्य बने। हम इन्हें कुछ भी आगे इनकी जो इच्छा हो, कोई कोर्स करना हो या अन्य चीजें जो भी उनको अच्छे लगे अपने सफल अच्छा जीवन बनाने के लिए, उस वक्त वो पैसा काम आए। तो हम डेली अपने जो कमाई है उसमें से 5% 10% उसमें बचत करते हैं। यमकेश्वर क्षेत्र की रहने वाली सावित्री देवी ने बताया कि वो अपनी बेटी के लिए हर महीने इस योजना के तहत डाकघर में पैसे जमा करती हैं। 5 साल की है, इसका खाता मैंने पोखाल पोस्ट ऑफिस में खोल रखा है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसको 18 साल से पहले नहीं तोड़ना है और मैंने इसमें पैसे जमा करते हैं, इसलिए कि इसके ये आगे पढ़ाई करेगी, आगे इसके भविष्य में काम आएगा। वहीं मोहनी बागी गांव में स्थित उप डाकघर के उप डाकपाल भगवान सिंह रावत बताते हैं कि उनके डाकखाने के आसपास लगभग 10 गांव के लोगों ने अपनी बेटियों के लिए बचत की शुरुआत की है। आज लोग सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूक हो गए हैं। 8-10 गांव हैं और हमारे यहाँ कम से कम 50-60 खाते खुल चुके हैं और हम लोगों को अभी प्रेरित करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, सुकन्या समृद्धि खाता का लाभ उठाइए। नई लोगों का रुझान है, अब खुद कुछ तो लोग अपने आप ही आ जाते हैं खाता खोलने के लिए और कुछ को हम भी प्रेरित करते हैं लोगों को कि आइए हमारे इस खाते का लाभ उठाइए, जो भी बालिका का उज्जवल भविष्य के लिए पैसा जो भी आगे काम आएगा।